गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 39। ये वर्कशीट 2 अक्टूबर को आई थी। चलिए शुरू करते हैं ये वर्कशीट बिना टाइम वेस्ट करें। तो आज की वर्कशीट हमारी कार्बन और उसकी यौगिक, जो कि आपके NCERT की बुक का चौथा चैप्टर है, उस पर बेस्ड है। और आज हम संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हम अभी सब पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन वे अणु हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं, जो एक दूसरे के साथ आबंधित रहते हैं तथा इनमें दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं और नहीं भी। ये हाइड्रोकार्बन दो वर्गों में वर्गीकृत होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं बेटा, एक प्रकार होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देख लेते हैं इसमें क्या फ़र्क है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणु परस्पर एकल आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, जो कार्बन कार्बन है उनके बीच के जो आबंध होते हैं वो एकल आबंध होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो ऐसे जितने भी कार्बन के उत्पाद होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध सिंगल बॉन्ड होगा, तो उनको हम संतृप्त कार्बन उत्पाद कहेंगे। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर द्वि या त्रि आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। वे संतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। तो याद रखिए, संतृप्त जो होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, असंतृप्त जो होते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। असंतृप्त में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन साझे किए जाते हैं। उदाहरण दे रखा है इन्होंने एल्केन और एल्कीन एल्काइन, इसका उदाहरण है। मीथेन इथेन प्रोपेन सब संतृप्त में आते हैं, और इथीन प्रोपीन प्रोपाइन इथाइन ईन और आइन वाले जितने होते हैं वो असंतृप्त में आते हैं। कुछ उदाहरण भी लिखे हुए उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, श्रृंखलाएँ शाखाएँ और वलय। श्रृंखलाएँ क्या होता है, क्रमशः 1, 2, 3 कार्बन परमाणु वाले कार्बन यौगिक मीथेन इथेन प्रोपेन हैं। कार्बन परमाणु की इस प्रकार की कार्बन श्रृंखला की प्रकार की श्रृंखलाओं को कार्बन परमाणु हो सकते हैं। तो श्रृंखलाएँ क्या होती हैं, जब सीधे कार्बन होते हैं, एक के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, उसे उसके साथ एक जुड़ा है, फिर उसके साथ एक जुड़ा है, मतलब सीधी चेन बन रही है। तो जंजीर की तरह जब बनते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि कार्बन उत्पाद पूरी चेन है। श्रृंखला के अलावा होती हैं शाखाएं। कई बार एक कार्बन जो होता है उसके साथ एक से ज़्यादा कार्बन जुड़े हुए होते हैं। एक तो लंबी चेन के रूप में होते हैं, लंबे आकार के रूप में होते हैं, लेकिन सारे लंबे आकार के रूप में नहीं होते, कुछ अलग अलग आकार के भी होते हैं। तो जो अलग अलग आकार के होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो हमारी शाखाएं हैं। और तीसरे होते हैं विलय, जिनको कि हम गोल घेरे का रूप में मानते हैं, एकदम गोल घेरे की तरह होते हैं वो। फिर आता है बेटा प्रक्रियात्मक समूह। तो हाइड्रोजन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन यानी कि FClBr(I) ऑक्सीजन नाइट्रोजन एवं सल्फर द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं ताकि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहे। ऐसे प्रतिस्थापन विषम परमाणु वे प्रक्रियात्मक समूह उन यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, और यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते। फलस्वरूप यह प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। मतलब जब हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह कोई दूसरा अणु लगा दिया जाए तो उसे हम प्रक्रियात्मक समूह बनाते हैं। प्रक्रियात्मक समूह जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए। अब प्रयास करते हैं। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, पहला पेंटेन और दूसरा प्रोपीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। देखिए आपके सामने ये बनाया मैंने पेंटेन का आबंध वाला और ये बनाया इलेक्ट्रॉन वाला, और ये प्रोपीन का आबंध वाला और ये प्रोपीन का इलेक्ट्रॉन वाला। देखिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया है ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा कार्बन है और कौन सा उसके आसपास हाइड्रोजन है। और हर कार्बन के घेरे के अंदर 8 बिंदु आ जाएंगे और हर हाइड्रोजन के घेरे के अंदर 2 बिंदु आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में वो कहते हैं कि ईथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एवं आयुक्त आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। इसके संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध हो गए। देखिए आपके सामने एथेन बना दिया, C2H4 एथेन का फॉर्मूला होता है। पहले ये इलेक्ट्रॉन वाला बनाया, पहले ये बॉन्ड वाला आबंध वाला बनाया, फिर इलेक्ट्रॉन वाला बनाया। ये भी लिख दिया कि कार्बन कार्बन के बीच द्वि आबंध बनता है। अगर ईथेन बनाना है तो ईथेन की खास बात यह है कि ईथेन में कार्बन कार्बन के बीच में द्वि आबंध बनेगा। कर लीजिएगा फटाफट इसको नोट डाउन।
चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरा प्रश्न देखते हैं। साइक्लोपेंटेन का आणविक सूत्र लिखिए और आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। तो ये रहा बेटा आपका तीसरा क्वेश्चन। ये आपका रासायनिक सूत्र है और ये आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। कीजिए फटाफट नोट डाउन। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में विभेद कीजिए। तो बिल्कुल आपके सामने चौथा प्रश्न भी हाजिर है। एक तरफ लिखा है संतृप्त, एक तरफ असंतृप्त। संतृप्त की बात करें तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के चारों संयोजकताएं एकल आबंध द्वारा संतुष्ट रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त में ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, असंतृप्त ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। संतृप्त में इसके सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और असंतृप्त में इसके द्विआबंध वाले सामान्य सूत्र CnH2n होता है और त्रिआबंध वाले का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ये फॉर्मूले हैं जिनको लगा के हम अलग अलग उत्पाद बना सकते हैं। आगे देखिए पांचवा प्रश्न है कि प्रक्रियात्मक समूह क्या है। तो बेटा ये बिल्कुल आपके सामने लिखा है, हाइड्रोजन श्रृंखला में से एक या अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं ताकि कार्बन के संयोजकता संतुष्ट रहे। ऐसी परिस्थिति विषम परमाणु व प्रक्रियात्मक समूह उन यौगिकों के विशिष्ट गुण प्रदान करता है। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई या प्रकृति पर निर्भर नहीं होती, फलस्वरूप ये प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न है ये। साथ में हमें ये भी बोला कि अल्कोहल और एल्डिहाइड का क्या सूत्र है। तो बेटा अल्कोहल का सूत्र है ये लिखा हुआ OH और एल्डिहाइड का सूत्र है CH। कर लीजिए फटाफट नोट डाउन, फिर मैथ्स की वर्कशीट की तरफ पढ़ते हैं। चलिए मैथ्स की वर्कशीट में आज हमने पिछली क्लास में शुरू कर लिया था ऊंचाइयाँ एवं दूरियाँ। तो इस पे आज हम 30, 45 और 60 इन कोणों पे आधारित प्रश्न करेंगे। तो पहला याद करके उत्तर दीजिए, भवन और पेड़ अगर आधार 40 है और अवनमन कोण अगर 30 है तो उन्नयन कोण कितना होगा। बेटा उन्नयन कोण भी 30 ही होगा। और दीवार सीढ़ी विकर्ण अगर 10 है, अवनमन कोण 60 है, ये भी 60 होगा। अगर ये 45 हो तो ये भी 45 होगा। आगे देखते हैं, उन्होंने हमसे बोला थीटा 45, बीपी, ये सब तो बोलने वाली बातें हैं। ये उदाहरण देखते हैं पहले, एक भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अवनमन कोण दिया हुआ है, नीचे देखते हुए जो अध्याय है उसके हिसाब से हमने चित्र बना लिया। देखिए फिर चित्र में जो निकालना होता है हमेशा वो ऊपर रखते हैं, जो दिया हुआ होता है वो नीचे रखते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा है। समझ गए, मैं आपको कराऊंगा तो बहुत आसान तरीके से कराऊंगा, आपको झटपट समझ में आ जाएगा। पहले ये देख लेते हैं कि वर्कशीट में क्या क्या किया हुआ है। और उन्होंने एक दो क्वेश्चन और सॉल्व किए हैं जिनको आप देख लीजिए। मैं सीधा एक्सरसाइज पर मूव करता हूँ ताकि समझा सकें और समझा के आपको ज़्यादा समझ में आए कि हमने क्या करना है। तो पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमारे को एक भवन दे रखा है, यहाँ एक एंगल बन रहा है जो कि 60 डिग्री का है और 50 मीटर उसकी भवन से दूरी है। तो मैं कहता हूँ माना भवन की ऊंचाई बराबर h, तो ये हमारे पास आ गई h,
ये एच हो गया, ये भी एंगल मान लेते हैं इसको ए, इसको बी और इसको सी। अब ध्यान से देखिए, भवन की ऊंचाई एच है, कलर चेंज कर लेते पेन का। अब देखिए मुझे एच निकालना है और मुझे ये हिस्सा दे रखा है जो कि ट्रायंगल का बेस है, तो मुझे एच निकालना है। मुझे बेस पता है, एच क्या है, एच है ए बी, और बी बेस क्या है, बी सी। ए बी है इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बी सी है इस ट्रायंगल का बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। ये उल्टा चलना है इसमें। अब फॉर्मूला लगाते हैं, टेन थीटा की वैल्यू कितना है बेटा, 60 इज इक्वल्स टू पी, परपेंडिकुलर कितना है, एच मुझे निकालना है, और बी बेस हो गया 50। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, अगर कोई आपसे पूछे तो टेन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री बाय वन इज इक्वल्स टू एच बाय 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 50 रूट थ्री इज इक्वल्स टू एच। ये हमने एच की पहले एच की वैल्यू निकाल ली, तो कर लीजिए साथ साथ ही नोट डाउन कर लिया होगा आपने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, एक बालक पेड़ पर बैठी चिड़िया को देख रहा है, उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 है। तो यहाँ एक पेड़ है, उस पर कहीं चिड़िया बैठी है और यहाँ से एक बच्चे ने उसको देखा, तो जो कोण बना वो बना कोण जो है 45 है। बालक की लंबाई 1.5 मीटर है। यदि भूमि पर बालक, भूमि और बालक के पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये निकालना है पेड़ की ऊंचाई, जिसको मैं हर बार की तरह मान लेता हूँ h। तो मैं कहता हूँ माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h। अब ध्यान से देखिए, मुझे h निकालना है और दे क्या रखा है, मुझे बेस दे रखा है। h कितना है इस ट्रायंगल का, h तो h ही होगा, और बेस कितना है, तो ट्रायंगल मान लेता हूँ ए बी सी। अगर एच भी देखूँ तो एच जो है वो ए बी है और बेस मेरा बी सी है। ए बी यानी कि परपेंडिकुलर और बी सी यानी कि बेस, और फिर दोबारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 45 लिखी हुई है, तो 45 टेन 45 इज इक्वल्स टू एच अपॉन बेस की वैल्यू है 30। टेन 35 के मतलब होता है 1 इज इक्वल्स टू एच बाय 30, तो एच इज इक्वल्स टू 30 मीटर। एच की वैल्यू 30 मीटर आ गई। आगे देखिए, अब जो हाइट आई है वो यहाँ तक की आई है, इतने हिस्से की, हाईलाइट करता हूँ आपके सामने, इतने हिस्से की हाइट आई है। जो नीचे का बचा हुआ हिस्सा था वो था 1.5 मीटर, तो मैं कहता हूँ टोटल पेड़ की कुल ऊंचाई, बराबर 30 जमा 1.5, तो आंसर कितना आ गया, 31.5 मीटर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, तो तीसरे प्रश्न में उन्होंने कहा कि 75 मीटर ऊंचे एक टावर से
नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण 30 है, तो टावर जो है वो 75 मीटर ऊंचा है। तो इस बार हमें इसकी ऊंचाई 75 मीटर ऑलरेडी पता है, और यहाँ से नीचे देखा जब तो कोण कितना बना, 30 डिग्री। ये 30 बनेगा तो बेटा ये भी 30 बनेगा, अब वो कहता है कि नीचे टावर के आधार से कार की दूरी ज्ञात करो, यानी कि इसको मान लेते हैं बेटा x, त्रिभुज ए बी सी। तो मैं कहता हूँ माना त्रिभुज में बी सी की दूरी बराबर x। अब दूरी को मैंने x मान लिया, उसके बाद क्या करेंगे, दूरी को तो x मान लिया, फिर आगे देखिए मुझे x निकालना है, और मुझे दिया हुआ क्या है, मुझे 75 दिया हुआ है। x जो है वो इस त्रिभुज का बेस है और 75 इस त्रिभुज का परपेंडिकुलर है, और ऐसे ही बेस जो है वो मेरा बी सी है और परपेंडिकुलर मेरा ए बी है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का। तो ये सीधे सीधे हो गया, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय 75। कॉट थीटा का मान कितना आएगा, कॉट थीटा तो 30 दिया हुआ है, तो cot 30 इज इक्वल्स टू x अपॉन 75। cot 30 की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 3 इज इक्वल्स टू x अपॉन 75। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू 75 रूट 3 मीटर। तो बच्चों हमने आज के साइंस की वर्कशीट भी देख ली और हमने मैथ्स की वर्कशीट भी देख ली, चलिए फिर आपसे कल मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।